बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम विजनर्स। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके मौलिमा नौशीन सईद, जमात पंजम से। हमारा आज का उन्वान आपकी उर्दू की किताब कारवानी उर्दू से लिया गया है, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है। सबसे पहले आप सफ़र नंबर 1 खोलेंगे। आज का उन्वान है हम्द बारी ताला। आए हमको तरनम के साथ पढ़ते हैं। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हिजर को परखो, वो लाई के सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया, कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का तो, मुश्ताक पे करम है रब्बे करीम का तो, इसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। ये नज़म मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी ने लिखी है। जितनी मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करूं कम है, वही रब है करीम और वो ही सबसे अव्वल भी है। इस हम्द के शायर मोहम्मद मुश्ताक हुसैन कादरी फरमाते हैं, हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी यही सदा है सबसे बड़ा खुदा है। मतलब हर इंसान और फूल यही कह रहे हैं, अल्लाह की वो वाहिद ज़ात है जो सबसे बड़ी है। अगर सूरज चाँद को देखो या दरख्त और पत्थर को परखो, तो वो भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह ही की वो वाहिद ज़ात है जो तारीफ़ के लायक है और वो ही ज़ात है जो सबसे बड़ी है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, उन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने कुन से करार दिया। और अगर हम दुनिया की सबसे अफजल किताब की बात करें, तो कुरान भी यही कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। आखिर में शायर फरमाते हैं, अल्लाह ताला का मुझ पर इतना करम है कि जितनी मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करूं कम है। तो बच्चों, ये तो हम्द का मफहूम था। आए अब चलते हैं काम की तरफ। पहला हफ्ता दिए गए अल्फाज के मानी किताब से या लुगत से तलाश करके लिखें। अल्फाज ये हैं, सदा, शम्स, कमर, कुन, लाइक। आपने इनके मानी तलाश करके कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 2, हम्द की तारीफ अपने अल्फाजों में तहरीर करें। अब चलते हैं सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी अल्लाह ताला की सिफात की फहरिस्त बनाइए, कलर पेपर पर और कॉपी में चिस्पा करें। तहकीकी अमल किसी रिसाले या अखबार से हम्द तलाश करके कॉपी में चिस्पा करें। दूसरा हफ्ता कुरान ने अल्लाह ताला के बारे में क्या कहा है। शम्सो कमर से अल्लाह ताला की कौन सी सिफात जाहिर हो रही हैं। अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए मरकजी ख्याल तहरीर करें। किताबी सरगर्मी सफ़ा नंबर 3 पर मश्क किताब में करें। मुतशाबा अल्फाज का इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करें। तहकीकी अमल अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए हम लिखने की कोशिश करें।
उम्मीद है आपको आज का उन्वान समझ आ गया होगा। अपनी मौलमा को इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।